हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आपके हाथों, पैरों, नेक और एल्बो पे चाहे जितना भी गंदगी, मैल जमा हुआ हो, उसको एक ही बार में जो है ये रेमेडी से हम निकाल सकते हैं। सनबर्न की प्रॉब्लम हो, चाहे जितना भी डर्ट हो, मैल हो, गंदगी हो, इस रेमेडी से हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कई बार है शूज़ पहनते तो उसके भी जो है निशान, दाग रह जाते हैं, तो भी बहुत ही इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। कितनी भी टैनिंग हो, कितना भी डर्ट हो, इस रेमेडी की मदद से हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है शैम्पू। शैम्पू से बहुत ही इजीली हम जितना भी डर्ट है हाथों, पैरों का, नेक का, एल्बो का, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो वन टाइम के लिए मैं बना रही हूँ, उसको स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आपने इस्तेमाल करना है तभी ही इसको बनाना है। तो एक शैम्पू का पाउच यहाँ पर मैंने ले लिया है। वन टाइम के लिए जो है एक शैम्पू का जो पाउच है वो बहुत ज़्यादा इनफ है। वन टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हो ना, तो वो शैम्पू आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वो लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है तेज़ी से मैल काटता है, जितनी भी डर्ट, गंदगी, टैनिंग है इसको बहुत इजीली निकालता है। जितनी भी काली परत है, गंदगी है हाथों, पैरों पे, एल्बो पे, उसको बहुत इजीली निकालता है। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है, हाफ टी स्पून से भी हमने इसको कम लेना है। उसके बाद हमारा थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन जो है स्किन लाइटनिंग का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें जो है तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत होती है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारे जितनी भी डर्ट, गंदगी है, कालापन है, उसको बहुत ही ईजिली निकालता है। तो जो है हाफ लेमन के करीब हम इसमें ले लेंगे, और हाथों पे, पैरों पे, जो है एल्बो पे, नेक पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फेस के लिए ये रेमेडी नहीं है। उसके बाद ये सारी ही चीज़ों को हमने ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जब हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर ले, तो उसके बाद जो है आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने इसमें लेमन में इसको डिप करना है, और अच्छी तरीके से जो है सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने हाथों और पैरों पे इस तरीके से आपने रब करना है, और अपने हाथों, पैरों, नेक को, गर्दन को, जितना भी डर्ट है वो निकल जाएगा। और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 2 मिनट तक ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, अपने फेस पे नहीं करना है, और उसके बाद इसको आपने करना है वॉश। उसके बाद अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, और इसी लेमन से जो है अपने नेल्स पे भी इसको अच्छी तरीके से रब करना है, ताकि जितना भी पीलापन है वो भी बहुत ही इजीली निकल जाए। बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। वीक में 2 बार कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ आपके हाथों पैरों का कालापन खत्म करके, जितनी भी टैनिंग है सारा सब कुछ, धूल मिट्टी, डर्ट, सारा सब कुछ बहुत ही इजीली आप घर पे इस रेमेडी की मदद से निकाल सकते हैं। ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और बनाने में बस आपको कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इन्ग्रीडियंट है शैम्पू। शैम्पू जो है तेज़ी से आपके हाथों और पैरों की जो है गंदगी, डर्ट्स और डेड स्किन सेल्स को बहुत ही ईजिली रिमूव करता है, और शैम्पू जो है हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, हर कोई इसको यूज भी करता है, और 1 रुपए का शैम्पू जो है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है, बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो एक शैम्पू का पाउच मैंने लिया है, कोई भी शैम्पू का पाउच आप ले सकते हो, जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, जो भी आपके घर में हो, तो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 टाइम के लिए बना रही हूँ, तो 1 पाउच इनफ है। तो इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है शैम्पू, और ये जो है गाइस, ये रेमेडी जो है अगर आप घर पे इस्तेमाल करते हो, हमेशा इस्तेमाल करते हो, रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, तो कभी भी आपको पार्लर में जाके महंगे पेडिक्योर एंड मैनिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजीली आपके हाथ पैर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, और जितनी भी डर्ट, डेड स्किन सेल्स है, धूल मिट्टी, गंदगी, बदबू है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगी। तो ये बहुत ही बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है नेचुरल तरीके से आपके हाथों, पैरों को, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ग्लिसरीन आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
कई बार जो है शैम्पू से हमारे पैर और हाथ ड्राई हो जाते हैं, वो हमारे जो हाथों और पैरों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन तो करता है लेकिन ड्राई भी कर देता है साथ ही साथ। तो ग्लिसरीन को इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि हमारे हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे, और ग्लिसरीन आपको बहुत ही ईजिली किसी भी केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपके हाथों पैरों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। तो बस एक चम्मच के करीब जो है यहाँ पे ग्लिसरीन को हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जब आप बाथरूम में शावर लेने के लिए जाए तभी जो है इस रेमेडी को कर सकते हैं, बहुत ही इजीली जो है आप उसको कर सकते हैं, आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा जब आप शावर लेने जाए और इस रेमेडी को करो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक चम्मच के करीब जो है इसमें मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और ग्लिसरीन जो है आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद जो है लेमन को इसमें ऐड करना है, हाफ लेमन को स्क्वीज मैं करके इसमें ऐड करूंगी। गाइस, लेमन जो है इसमें तेजी से मैल काटने की सलाहियत होती है, और लेमन जो है हमारी जितनी भी डर्ट स्किन सेल्स है, लेमन में भर भर के विटामिन सी होता है। ये हमारे स्किन को जो है फेयरर बनाने में हेल्प करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, गंदगी धूल मिट्टी बदबू को बहुत ही ईजिली निकालता है। तो इसमें तेजी से मैल काटने की सलाहियत होती है, तो हाफ लेमन जो है यहाँ पे स्क्वीज करके मैं इसमें डाल दूंगी। ये रेमेडी बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और बनाने में आपको कुछ मिनट लगेंगे, 1 से 2 मिनट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल किया तो कभी भी जो है आपको महंगे से पार्लर में जाके महंगे से पेडिक्योर एंड मैनिक्योर करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इफेक्टिव रेमेडी है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्ट, यानी नमक। चीज़ जो है ना हमको हाफ टी स्पून के करीब या उससे भी थोड़ा सा कम जो है इसमें नमक को ऐड करना है। नमक जो हमारी जितनी भी थकान है उसको बहुत इजीली निकाल देता है, और ये जो है एक स्क्रब की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें हाफ टी स्पून से भी कम मैंने नमक को इस्तेमाल किया है, और ये सारी ही चीज़ों को जो है हमको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये सारी ही चीज़ों को जब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो उसके बाद इसमें हमने जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उतना जो है वार्म वाटर इसमें ऐड करना है, और अपने हाथों पैरों को इसमें अच्छी तरीके से सोक कर लेना है। इतना पानी आपको ऐड करना है जितना आपके हाथ और पैर अच्छी तरीके से डीप हो जाए, और 5 से 10 मिनट जो है अपने पैरों को अपने हाथों को इसमें रखना है, और ये जो लेमन है अच्छी तरीके से जो है इसको सोक करके रखना है, और अच्छी तरीके से जो है ठीक है। और उसके बाद जो ये लेमन है इससे अच्छी तरीके से आपने जितनी भी जो है, अच्छा गाइस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जो नेल्स है उनका कलर येलो हो गया है, तो लेमन से इस तरीके से आपने जब इसको अच्छी तरीके से रब करके मसाज कर लिया ना, तो ये जो आपके नेल्स है वो कभी भी जो है येलो नहीं पड़ेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ठीक है। तो बस आपने इस तरीके से उसको को घर पे इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये बहुत ही ईजिली आपकी जितनी भी डेड स्किन सेल्स है, गंदगी है, जितना भी जो है धूल मिट्टी पॉल्यूशन बदबू है, उसको बहुत ही ईजिली निकालता है। आप जब बाथरूम में शावर लेने जाते हैं तो 2 से 3 मिनट में इसको बना सकते हैं, और 10 मिनट तक जो है अपने पैर को इसको सोक करके रख सकते हैं। बहुत ही ईजी मैथड है, बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, बहुत कम खर्च में आप इसको घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, और पार्लर जाके महंगे पेडिक्योर मैनिक्योर करने से भी आप बच सकते हो बहुत ज़्यादा पैसे देने से, और इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और सबसे जो इसका मेन फायदा ये है कि कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन है, तो पार्लर में जाना जो है इतना ज़्यादा रिस्की है, तो घर पे ही हम अपने स्किन का और हेयर का और अपने हाथों पैरों का ईजिली ख्याल रख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी आपने इस मेथड को कर लिया उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो है निकलने के बाद शावर लेने के बाद जो है अपने हाथों पैरों को अच्छी तरीके से जो है मॉइस्चराइज कर लेना है, ताकि आपके हाथ और पैर अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रहे, ड्राई ना हो। तो वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, एक लाइक जरूर करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।